मोबाइल रीस्टार्ट होने के बारे में, अगर आप मान के चलिए किसी भी मोबाइल का अगर FRP अनलॉक करते हैं आप, उसके बाद जो है वो मोबाइल क्या होता है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है और मोबाइल में जो है मोबाइल रीस्टार्ट होने लगता है। तो दोस्तों आज उसके बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप मान के किसी मोबाइल में अगर आप FRP अनलॉक कर रहे हैं, मोबाइल रीस्टार्ट हो रहा है और उसके बाद उस मोबाइल को अगर आप फ्लैश भी कर देते हैं तो फ्लैश करने के बाद भी वो मोबाइल जो है रीस्टार्ट होने लगता है, मोबाइल का प्रॉब्लम जो है दूर नहीं होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बात बताने वाला हूँ कि अगर मान के चलिए क्वालकॉम डिवाइस, अगर मान के चलिए किसी भी मोबाइल, चाहे वो ओप्पो कंपनी का मोबाइल हो या वीवो कंपनी का मोबाइल हो या MI का मोबाइल हो, उसमें अगर क्वालकॉम डिवाइस है ठीक है, तो उस मोबाइल का जो है आप रिस्टार्ट प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इसके लिए कोई फ्लैश नहीं करना है मोबाइल को, सिर्फ उसे जो है रिपेयर करना है। तो रिपेयर कैसे करना है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्वालकॉम टूल सेलेक्ट कर लेना है और क्वालकॉम टूल जब आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है एक आपको जो है मान के चलिए अगर आपका मोबाइल यूनिवर्सल में आता है तो यूनिवर्सल आपको सेलेक्ट करना है या किसी अगर कंपनी में आता है तो उसे आपको सेलेक्ट करना है ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोबाइल जो होता है तो मान के चलिए ओप्पो का मोबाइल है हमारे पास, तो ओप्पो का मोबाइल यूनिवर्सल में भी आता है और ओप्पो मेथड में भी आता है, तो इसका पता कैसे आपको लगेगा, इसका पता मान के चलिए अगर आप ओप्पो मेथड सेलेक्ट कर लिए उसमें आपका मोबाइल बूट नहीं कर रहा है तो आप यूनिवर्सल सेलेक्ट करके देख सकते हैं और ओप्पो मेथड सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे ओप्पो मेथड हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मोबाइल को हमें यहाँ पे जो है बूट कराना है एडियल मोड से। तो एडियल मोड लाने के लिए मान के चलिए जो मोबाइल में अगर आपके पास MI का मोबाइल है उसमें टेस्टिंग पॉइंट सॉल्व करके एडियल मोड आता है, और मान के चलिए मेरे पास मोबाइल है ओप्पो का A37F, तो इस मोबाइल में जो वॉल्यूम प्लस माइनस से एडियल मोड इसका आ जाता है, और किसी किसी मोबाइल में एडियल केबल के जरिए से एडियल मोड आता है, यानी कैसे भी आपको एडियल मोड लाना है ठीक है। और जब आपका मोबाइल एडियल मोड में आ जाएगा और उसके बाद आप जब पोर्ट पे क्लिक करके आप एडियल मोड सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे रीड फ्लैश फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जब आप रीड फ्लैश फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है रिपेयर FS का, रिपेयर FS पे आपको चेक लगाना है और रिस्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आपके अगर मोबाइल में रिस्टार्ट का प्रॉब्लम है और आपने मोबाइल को फ्लैशिंग कर दिया है फिर भी आपका रिस्टार्ट का प्रॉब्लम है, तभी जो है आप जो है ये मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। और मान के चलिए अगर आप जो है किसी मोबाइल को अगर आप FRP अनलॉक किए और FRP अनलॉक करने के बाद वो मोबाइल जो है लोगों पर अटक जाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे जो उसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, यानी फ्लैश करने से पहले एक बार आप फैक्ट्री रीसेट करके देख लें और नहीं होगा तब जो है आप जो है उसे फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको किसी काम आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।